वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज डेट है 21 फरवरी और आज है तुलसी का बर्थडे। तो हम जा रहे हैं बर्थडे केक का ऑर्डर देने के लिए, और जहाँ से झांसी का बर्थडे केक हम लाए थे वहीं बेकरी पे हम तुलसी का बर्थडे केक का ऑर्डर देंगे और वहाँ से ही लाएंगे। तो आज मैं आपको वो बेकरी दिखाऊंगी, और चलिए मैं ले चलती हूँ वहीं बेकरी पे। और हमारे घर से बहुत नज़दीक पड़ती है तो हमें एकदम इजी रहता है यहाँ से कुछ भी लाना। तो देखिए द हाउस ऑफ बेकर्स, यही बेकरी से हम सब कुछ लेते हैं। तो चलिए अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस हम घर पे आ गए हैं और बहुत भूख भी लगी थी, तो बेकरी से हमने पफ भी ले लिया था तो वो भी हम खा रहे हैं। और देखिए वहाँ से हम बलून्स भी लाए थे तो वो भी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट है। तो बस यहाँ पे डिस्कस चल रही है कि जो बड़ा वाला बलून है तो उसमें हम चॉकलेट कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। तो बस इनकी वही बातें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बजे हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तुलसी का बर्थडे है, तो आज बर्थडे में कुछ सबका फेवरेट बनने वाला है। और तुलसी अभी खेल रही हैं और अभी चाय बनाई है, क्योंकि मैं बाज़ार में गई थी तो थोड़ा सा ऐसे सर दर्द, मतलब कि सर भारी हो गया हो वैसा हो गया है, तो मेरी चाय उबल रही है। और यहाँ पे झांसी जो है वो खजूर है उसकी बीज निकाल रही है, क्योंकि मुझे चटनी बनानी है। और हाँ, आज शाम के खाने में बनेगा दही बड़ा, तो दही बड़े में मीठी चटनी भी चाहिए और दही भी चाहिए। तो दही भी हमारा मीठा ही बनता है, और मीठी चटनी में मैं खजूर और इमली की चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पे खजूर के बीज निकल रहे हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू बीज निकाल दे। और दाल जो है उसको मुझे पीसना है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं दही बड़े में कौन कौन सी दाल लेती हूँ। और सच में बहुत ही अच्छे दही बड़े बनते हैं, तो चलो मैं बता दूँ आपको। और हाँ, ये वाला सूट मैंने सिलवाया था, देखिए आपके साथ शेयर किया था मैंने ये सूट, आपको पता होगा। और देखिए इसका दुपट्टा है, मैं बता दूँ आपको। तो आज तुलसी का बर्थडे है इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना है। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो सच में। कलर बहुत अच्छा है इसका, और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत अच्छा दुपट्टा है। तो चलिए मेरी चाय उबल गई है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं दही बड़े की दाल। तो चलो थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी उसका बर्थडे भी मनाना है और मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे झांसी जो है वो खजूर के बीज निकाल रही हैं, और यहाँ पे मैंने कौन कौन सी दाल ली है, सिर्फ दो ही दाल ली है। और जो दही बड़े बनाती हूँ उसका जो खीरा है वो भी मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखो ये तुलसी मैडम आ गए बलून लेकर, तो तुलसी मैडम खेल रहे हैं बलून के साथ। और यहाँ पे देखिए मैंने मूंग की दाल ली है, और मूंग की दाल मैंने 3 कटोरी ली है, देखिए 3 कटोरी मूंग की दाल ली है। और यहाँ पे देखिए उड़द की दाल ली है, तो उड़द की दाल मैंने 1.5 कटोरी ली है। तो इस तरह से कुछ नाप लिया है, और सुबह से दोनों दाल को मैंने भिगो कर रखा था। तो यहाँ पे चाय उबल गई है मेरी, ज़्यादा कड़क हो गई है चाय, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी ही चाय पसंद है, कड़क चाय। तो देखिए ये सब कुछ हो रहा है, तैयारी हो रही है, और मैं पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ली है 4 छोटी वाली, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने अदरक ली है, अदरक की पेस्ट ली है, और देखिए मूंग की दाल है। तो चलो इन दोनों दाल को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मूंग की दाल और उड़द की दाल को मैंने दरदरा सा ग्राइंड किया है, और ग्राइंड करते वक्त मैंने पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, चपटी हींग भी ली है, और काली मिर्च को मैंने पीस लिया था, तो आधा चम्मच जितना मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। और आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो उसी हिसाब से काली मिर्च पाउडर या तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। तो चलिए इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दही वड़े का बैटर बनकर रेडी है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं दही वड़े को। तो तेल मेरा गरम हो गया है, तो देखिए थोड़े छोटे छोटे से साइज के मैं दही वड़े रख रही हूँ फ्राई करने के लिए, और सच में बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से अगर आप दही वड़े बनाओ तो। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फुल कर रेडी हो गए हैं। तो दही वड़े हमारे रेडी हैं। केक में कसो था ही नहीं वो वे कर चालू कर दे तो अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है। तो हमने शंभू को वीडियो कॉल किया था, तो शंभू लाठी में था, तो फिर वहाँ से मम्मी पापा और शंभू तीनों कनेक्ट हो गए थे। तो चलिए अब बर्थडे केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
birthday to you. फ्रेंड्स हमारा केक कटिंग हो गया है देखिए, और अभी भी वेट हो रहा है क्योंकि शंभू जो था वो लाठी में था, तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा और शंभू ही थे, तो अभी वो वापस घर जाएगा और वापस से वीडियो कॉल आएगा। उसके बाद देखिए अभी तो सिर्फ केक कटिंग ही हुआ है, कुछ भी नहीं किया है बस। तो देखिए ये क्या कर रही है, चॉकलेट है ना वो खा रही है। तो बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, ये घर शंभू का कॉल आएगा, उसके बाद इसका पीस कटिंग कर देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। शंभू लाठी से गिर गया था, तो बच्चों ने वीडियो कॉल किया था, तो उनको भी केक कटिंग देखना था, तो तुलसी ने वापस एक बार केक कटिंग किया और अभी तुलसी सभी से बात कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी से अगले व्लॉग में।